जय माता रानी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ में 6 टिप्स शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारे पति ऊँचाइयों तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो देखिए, एक पति को ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए एक पत्नी की बहुत बड़ी हाथ होती है। अगर पत्नी सही है, हर चीज़ अगर नियम से कर रही है, हर चीज़ का ध्यान रख रही है, तो उसका पति ऊंचाइयों तक कैसे नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप लोग इशारे नियम करती हैं तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग नहीं करती है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप लोग करके देखिए, अगर घर में बदलाव ना आए, पति में बदलाव ना आए तो कहिएगा, क्योंकि एक बार ये नियम करके देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, जब जो भी आपके भगवान का दिया हुआ अगर आपके पास में सब कुछ है, तो आप किसी के सामने में रोइएगा मत, क्योंकि ये बड़ा ही अशुभ होता है और भगवान को भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि इसको हम सब कुछ दिए ही हैं और ये हमेशा रोते रहता है। तो हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, जितना है उतना में खुश रहना चाहिए। अगर आप रो रही है, भगवान का दिया हुआ अगर आपके पास में सब चीज़ है, तो भगवान क्या सोचेंगे कि जब हम इसको सब कुछ दिए ही हैं, ये जब रो ही रही है तो इसको हम क्यों दें। तो इसलिए आप लोग रोइएगा मत। अगर मान लीजिए कि आपके पति अगर अच्छा कमाते हैं, अच्छा से आप लोग रह रहे हैं, तो हमें डिंग भी नहीं हाँकना चाहिए कि हमारे पति ये कमाते हैं, हम लोग ये खाते हैं, ये पहनते हैं, ये हमारे पति जॉब करते हैं, हमें डिंग भी नहीं हाँकना चाहिए। तो हमें किसी के सामने में दुख भी नहीं रोना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर भगवान का दिया हुआ आपके पास में सब कुछ है, तो आप किसी के सामने रोइएगा मत। दूसरी नियम है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती है, बरकत चाहती है, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती है, या आप चाहती है कि सबसे आगे हम रहें, तो आपको क्या करना चाहिए कि कभी भी हमें अपने बच्चे को और हस्बैंड को ज़्यादा मतलब पुराना कपड़ा नहीं देना चाहिए पहनने के लिए, ना ही फटा फूटी ये सब कपड़ा नहीं देना चाहिए पहनने के लिए, चाहे वो बेल्ट हो, जूता चप्पल हो, बनियाइन हो, शॉर्ट हो, ये सब हमें फटा हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए पहनने के लिए। ये नहीं कि इधर शॉर्ट का बटन टूटा है और हम दे दिए पहनने के लिए, इधर फटा पड़ा है और हम दे दिए अपने पति को पहनने के लिए। तो देखिए, अगर आप फटा हुआ कपड़ा पहनती है या ज़्यादा पुराना कपड़ा पहनती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मैं सबके लिए बता रही हूँ, तो ज़्यादा फटा हुआ अगर आप कपड़ा पहन रही है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे दरिद्रता का वास होता है। तो जहाँ पे दरिद्रता का वास होता है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो वहाँ पे बरकत कहाँ से आएगा, वहाँ पे बढ़ोतरी कैसे होगी। तो इसलिए आप अपने बच्चे को या हस्बैंड को फटा हुआ कपड़ा ना दे पहनने के लिए, उसको सिल दे। कपड़ा अगर सही है तो उसको साफ करके रखिए, उसको अगर फटा है तो उसको सिल दीजिए, तब दीजिए पहनने के लिए, फटा हुआ मत दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम है कि आप अपने घर में फूटा हुआ बर्तन ना रखें, फटा हुआ बर्तन ना रखें, क्योंकि कितने लोग हैं ना कि थाली फट जाता है, प्लेट फट जाता है, गिलास हो, कटोरी होती, ये सब फट जाता है। तो उसी फटा हुआ बर्तन में अगर हम अपने पति को खाने के लिए देते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्रह चढ़ता है हमारे पति के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर। और वैसे बर्तन घर में रखने से दरिद्रता का वास होता है, तो जहाँ पे दरिद्रता का वास होता है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और जहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहाँ पे बरकत और बढ़ोतरी कहाँ से आएगी, आप लोग एक बार सोच के देखिए। तो इसलिए वैसे बर्तन अगर आपके घर में हैं, तो आप लोग उसको आज ही या तो बेच दीजिए, नहीं तो उसको फेंक दीजिए, क्योंकि वैसे बर्तन को घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब उसमें इससे दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए हमें फटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए, और ना ही किसी को, उस फैमिली सदस्य में किसी को भी उस बर्तन में खाना भी खाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहती है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान जरूर रखें। चौथा नियम है कि कभी भी आप अपने दरवाजे से भिखारी को खाली हाथ ना लौटने दें, उसका अपमान ना करें, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो हमें कभी भी अगर दरवाजे पे कोई आया है, तो उसे हमें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। या मान लीजिए आप कहीं ट्रैफिक में फंसी है, वहाँ पे कोई अगर आ रहा है मांगने के लिए, चाहे वो बच्चे हो, पुरुष हो, स्त्री हो, अगर कोई भी आ रहा है, तो उसे हमें ज़रूर मदद करना चाहिए। 10 रुपये से मदद करें या 5 रुपये से मदद करें, आपका जितना समर्थ हो उतना से आप लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन पता है आजकल मतलब कि
चोर लुचंगे भी भिखारी के रूप में घूम रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। तो देखिए, जिसको ज़रूरत होगा तो अगर आप 5 रुपया दे रही हैं वो उसी में खुश हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि इसको ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई दरवाज़ा पे आया है और हम 10 रुपया दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो ले नहीं रहा है, उसको 50 रुपया ही चाहिए, तो आप लोग वैसे भिखारी को वापस कर सकते हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, क्योंकि उसका कोई और इच्छा होगा इसलिए वो पैसा मांग रहा है। नहीं तो जिसको ज़रूरत होगा वो 5 रुपया में भी खुश हो जाएगा। तो आप वैसे लोगों का मदद ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो ट्रैफिक में फंसे हैं तो, या आपके दरवाजे पे आ रहे हैं तो, किसी भी गरीब लोगों का मदद आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं भी जाएँ, चाहे वो तीर्थ धाम में जाए, ट्रैफिक में फंसे हैं, दरवाजे पे आए हैं, तो हमें वैसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम है कि देखिए, जब भी आप सुबह में उठिएगा तो आपके घर में सास है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, जो भी है, तो अगर कोई भी फैमिली सदस्य अगर मंदिर में, आपके घर के मंदिर में अगर पूजा कर लेता है, दीपक जला लेता है, भोग लगा लेता है, तो फैमिली के हर सदस्य को चाहिए कि स्नान करने के बाद में हमें 2 मिनट के लिए ही सही, हमें भगवान के सामने हाथ जरूर जोड़ना चाहिए। इतना अच्छा भगवान सुबह दिए हैं, इतना अच्छा भगवान पति दिए हैं, बच्चे दिए हैं, तो उस सबका धन्यवाद हमें भगवान को ज़रूर करना चाहिए। तो सुबह उठ के आप लोग स्नान करके, आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है लेकिन 2 मिनट का समय निकाल करके आप भगवान का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खास करके महिलाएँ, कि देखिए अगर आपके पास में मतलब समय नहीं है, बच्चा छोटा है या बच्चा को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, सुबह में सब हर किसी के पास में काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आप लोग सुबह में तो जल्दी उठ जाइएगा तब तो सारा कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दी नहीं उठते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी आप किचन में जाएँ, भले मतलब पूजा लेकिन करवा दीजिएगा किसी से, लेकिन किचन में जब भी जाइएगा तो जो भी आप बासी कपड़ा पहनी है तो उसको चेंज कर दीजिए और ब्रश करके फिर आप लोग किचन में जाइएगा। उसके बाद आप लोग स्नान करके उसके बाद आप लोग पूजा कर लीजिएगा। तब तक मान लीजिए किसी का तबीयत खराब रहता है, उसको दवा खाना रहता है, तो वो कैसे करेगा। तो देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए कि हमें सुबह में पूजा करके ही हमें अपने मुख में डालना चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका तबीयत सही नहीं है, आप घर में अकेली है, तो आप ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, पानी पी सकती है, चाय पी सकती है, उसके बाद में आप स्नान करके भगवान की पूजा कर सकती हैं। नहीं तो अगर घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो उन लोग से पूजा करा दीजिए, इसके बाद में आपको जब टाइम मिलता है तब आप लोग मतलब सुबह में स्नान कीजिएगा। मैं ये भी बताई हूँ कि हमें कितने बजे स्नान करना चाहिए, तो आपको समय मिल जाता है तो आप उस टाइम स्नान कर लीजिएगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिएगा, इसके बाद ही आप अपने मुख में कुछ भी डालिएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें बासी कपड़ा में किचन में नहीं जाना चाहिए, बासी मुख से हमें किचन में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए इस नियमों का पालन करके देखिए, अगर आप इन छोटी छोटी नियमों का पालन कर लेते हैं तो देखिए, अगर आपका घर आगे नहीं, ये सब नियम करके देखिए, अगर आपके घर में बरकत नहीं आता है, बढ़ोतरी नहीं आता है, तो आप लोग कहिएगा। क्योंकि देखिए, पति तो कितना भी कमा लेगा लेकिन पत्नी अगर घर में नियम धर्म नहीं करेगी तो बताइए वो घर आगे बढ़ेगा। पति उठा अपना ऑफिस चला गया, लेकिन पत्नी के हाथ में होता है ना साफ़ सफाई करना, हर चीज़ का मेंटेन पत्नी करती है, पति नहीं करता है। तो अगर हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो जहाँ पे साफ़ सफाई रखते हैं वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पे लक्ष्मी आती है वहीं पे बरकत भी आता है। नहीं तो अगर आप लोग साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होता है वहाँ पे दरिद्रता का वास होता है, तो दरिद्रता का जहाँ वास होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी, और लक्ष्मी नहीं आएगी तो हमारे घर में बरकत कैसे होगा। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान करके सुनिएगा, और इस छोटी छोटी बातों को आप लोग ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप लोग एक बार इन नियमों के साथ में अगर कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो कहिएगा। छठा नियम है और आखिरी नियम है कि देखिए, बहुत सारी महिलाएं होती है जो साफ सफाई के पीछे पागल हो जाती है कि नहीं मुझे साफ सफाई करना है, इतना ज़्यादा ना साफ सफाई करती है कि ना तो अगर झाड़ू लगाएगी या पोछा लगाएगी, ना उस पे बच्चे को चलने देगी, ना हस्बैंड को चलने देगी, बेचारा हस्बैंड भी डर जाता है कि पता नहीं चलूंगी तो कहीं डांटने ना लगे। तो देखिए, हमें साफ़ सफाई करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है।
तो साफ सफाई हमें जरूर रखना चाहिए, लेकिन साफ सफाई के पीछे हमें पागल नहीं होना चाहिए। अगर आप साफ सफाई करिए, झाड़ू लगा रहिए या पोछा लगा रहिए, तो आप अपने बच्चे को या हस्बैंड को मत डांटिएगा, मत बोलिएगा, चाहे वो सास हो, ननद हो या हस्बैंड हो। बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है कि हम पोछा लगाते हैं और हमारे पोछे के ऊपर से हमारे हस्बैंड चलते हैं। भगवान करे कि हम पूरी जिंदगी पोछा लगाएं और हमारे पति हमारे बच्चे उस पे धांगे। हमें इसमें हल्ला हुड़दंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि पोछा लगा रहे हैं और पति का अपमान कर रहे हैं, सास का अपमान कर रहे हैं, बच्चे का अपमान कर रहे हैं, तो वैसे पोछा लगाने से क्या मतलब है कि जब घर में शांति ही नहीं है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, इतना साफ सफाई के पीछे में पागल मत होइएगा, क्योंकि हम किसके लिए नियम धर्म करते हैं? पति के लिए, बच्चे के लिए। तो नियम धर्म कीजिए, नियम धर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है मैं एक एक महिलाओं को देखती हूँ कि बेचारी पोछा लगाती है तो उस पे से हस्बैंड को जाने नहीं देती है, इतना वो लोग मतलब गुस्सा करती है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं पूरी ज़िंदगी पोछा लगाऊँ, हमारे पति इस पे धांगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें साफ सफाई करना है, लेकिन किसी का अपमान करके हमें उतना साफ सफाई नहीं करना। मान लीजिए कि हम साफ सफाई कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा दे रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा ही साफ सफाई कीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत कीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पति और बच्चे के सफलता के लिए हमें ये 6 नियम अगर आप लोग करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर आप लोग नहीं करती हैं तो ज़रूर कीजिएगा, एक बार करके देखिए। घर में बदलाव ना आए तो कहिएगा, थोड़ा सा नियम धर्म हम महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि पति कितना भी कमा लेगा, एक पत्नी के हाथ में भी ही होता है, क्योंकि पत्नी के हाथ में अगर लक्ष्मी का वास है तो पत्नी के हाथ में दरिद्रता का भी वास है। अगर आप सही से आप अपना घर चला रही हैं, सही से अगर सब चीज़ मेंटेन कर रही हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रही हैं, तो उस घर में लक्ष्मी आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी। अब मान लीजिए पति कमा के अल्लाह रहे हैं और हम यहाँ वहाँ खर्चा कर दे रहे हैं, किसी ना तो पैसा खर्च करने का लिमिट है और ना ही किसी भी चीज़ का लिमिट नहीं है, तो बताइए वहाँ पे लक्ष्मी कहाँ से आएगी? हमारे पति ऊंचाइयों तक कहाँ से बढ़ेंगे? तो कुछ इच्छाओं को हमें दबा करके रखनी चाहिए, क्योंकि हर इच्छा पूरी हो जाए ऐसे नहीं है, किसी का भी आज तक इच्छा पूरा नहीं हुआ है, जो हमारा इच्छा पूरा हो जाएगा। तो थोड़ी सी इच्छाओं को मतलब दबा करके रखिएगा, तो आप देखिएगा कि हाँ आप आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो ये जो छोटी छोटी नियम है ना, वो आप लोग जरूर करके देखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।